हाय फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनली ICICI बैंक का जो कोरल क्रेडिट कार्ड वो मुझे रिसीव हो चुका है। तो इस वीडियो में इस कार्ड को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और साथ ही साथ इस कार्ड का जो फास्ट लुक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और वीडियो का लास्ट में आपको दिखाएंगे कि इस कार्ड को कैसे एक्टिव किया जाता है या अपना क्रेडिट कार्ड को पिन कैसे सेटअप किया जाता है। सारे डिटेल्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, रिसेंट में हमने ICICI बैंक के ऊपर ICICI बैंक का जो कोरल क्रेडिट कार्ड हमने अप्लाई किए थे, तो फाइनली वो जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो इस क्रेडिट कार्ड को मैंने कैसे अप्लाई किए थे, मुझे कैसे मिला हुआ है, सारे डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, इससे पहले हमने वीडियो बना करके हमारे चैनल में अपलोड कर दिए, तो इस वीडियो को देख करके आप सारे डिटेल्स जान सकते हैं और अपना कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ICICI बैंक का जो कोरल क्रेडिट कार्ड हमने अप्लाई किए थे उसका जो पैकेट्स है इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। और ये जो कार्ड है भाया ब्लू डार्ट के थ्रू यहाँ पे डिलीवर्ड किया गया है। पैकेट का जो फ्रंट साइड है इस तरीके से देखने को मिल जाता है और बैक साइड आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको सबसे पहले कट कर लिए थे। अब इसको निकल के दिखा देते हैं कि इसका अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसमें से हम पेपर को निकाल लेते हैं। इस पैकेट्स के अंदर एक ही पेपर्स देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले पैकेट्स के ऊपर यहाँ पे आपका डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपका नेम वगैरह सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है और यहाँ पे कुछ एड्रेस भी मेंशन किया गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड्स। तो इस पेपर को हम ऐसे ओपन कर लेते हैं। पेपर को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। ICICI बैंक का जो कोरल क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर बेसिक कुछ बेनिफिट यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके ऊपर आपको ज्यादातर बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये ICICI बैंक का एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। नीचे की तरफ आपको कार्ड मिला हुआ है, तो कार्ड सबसे पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं। इसको यहाँ से हटाने की बाद यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मेरा जो ICICI बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है इसका ऊपर जो लिमिट मिला हुआ है 1,00,000 रुपया, और साथ ही साथ इसका ऊपर जो कैश लिमिट दिया गया है 10,000 रुपया यहाँ पे कैश लिमिट दिया गया है। कार्ड को पेपर से निकालने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिव योर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड विन 30 डेज टू अवॉइड द क्लोज एज पर गाइडलाइंस यूजिंग ऑन द ऑफ द फॉलोइंग द मेथड। तो RBI का जो गाइडलाइंस है उसका मुताबिक आपका जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, उस कार्ड को मिला हुआ 30 दिन ओवर हो जाते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है या आपका जो डेबिट कार्ड है वो परमानेंटली क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर मेंशन किया गया है। तो इसको कैसे एक्टिव करना है वो आपको आगे दिखाते हैं। पेपर से निकलने के बाद ICICI बैंक का जो कोरल क्रेडिट कार्ड है आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर ICICI बैंक का लोगो देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोरल मेंशन किया गया है और जो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट है वो भी यहाँ पे सिंबल देखने को मिल जाता है। और ये जो कार्ड है आपको चिप सिक्योरिटी का अंदर देखने को मिल जाता है। कार्ड का फ्रंट साइड में कार्ड का जो 16-डिजिट नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे वैलिड डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा और जिसका नाम पे कार्ड है उसका नाम ऊपर की तरफ प्रिंट किया हुआ रहेगा। तो फाइनली इस तरीके से कार्ड का जो फ्रंट साइड है आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। कार्ड का बैक साइड के ऊपर बात करें तो कार्ड का बैक साइड आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ टोल फ्री नंबर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे CVV वगैरह और कुछ डिटेल्स यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि ICICI बैंक का जो कोरल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिला हुआ है एक्टिव करने के लिए सबसे पहले ICICI बैंक का जो iMobile है वहाँ पर लॉगिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम लॉगिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बात करते हैं। सबसे पहले ICICI बैंक का जो iMobile पे ऐप से उसको हमने यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको कुछ सेकंड टाइम लग सकता है ओपन होने में,
और यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम लॉगिंग कर रहे थे, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे लॉगिंग कर लेंगे, लॉगिंग करने तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा। तो सिंपली ICICI बैंक का जो आई मोबाइल ऐप से लॉगिंग होने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आपको भी इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो साइड में इस तरीके से स्वाइप करना है, स्वाइप करने के बाद आप ये देख सकते हैं माय जो क्रेडिट कार्ड है इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो मेरा पास जो कुराल क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है, और आपका पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कार्ड का कुछ डिटेल्स देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके कार्ड का जो लिमिट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कार्ड को मैनेज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे बाकी सारे चीज कर सकते हैं। तो किसी भी कारण आपका यह से शो नहीं होता है या आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली दूसरा ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐप्स का नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कार्ड एंड फॉरेक्स, उसके ऊपर क्लिक करना है। कार्ड एंड फॉरेक्स का ऑप्शन में आपका जो क्रेडिट कार्ड है या मेरा जो क्रेडिट कार्ड है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने का सिंपली वही पेज में आप दोबारा रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपना कार्ड का सारे कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका जो कार्ड का 16 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जिस मंथ आपका कार्ड प्रोवाइड किया गया है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। नीचे की तरफ कार्ड का जो वैलिड डेट है वो भी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम पे कार्ड है उसका नेम यहाँ पे प्रिंट किया हुआ रहेगा। कार्ड को आप टेम्पोरली ब्लॉक कर सकते हैं, कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद कार्ड का बिल यहाँ पे ऐसे पे कर सकते हैं। और इसका ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो CVV नंबर है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कार्ड को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे मैनेज कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है। तो ATM विंडो को हम यहाँ पे ऑफ रखेंगे, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मर्चेंट लेआउट यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन है, तो इसको आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करेंगे, नहीं तो अपना जो मर्जी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इस तरीके से पॉपअप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन इसको हम ऑन करेंगे, क्योंकि हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं इसलिए इसको ऑन करेंगे। उसके बाद टैप टू पे आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद जो इंटरनेशनल है इसको हम हर टाइम बंद रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट के थ्रू ज़्यादातर फ्रॉड होता है इसलिए इसको हम ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किए हैं ऑटोमेटिकली पॉपअप शो हो गए थे, और तो आपका डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया है। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका पिन आप बनाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ जो जनरेट पिन उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप जिस पिन को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 डिजिट पिन रखना है, उसको दोबारा कंफर्म करना है, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली पिन को डाल लेते हैं। मेरा कार्ड के ऊपर जो हम पिन बनाना चाहते हैं मेरा हिसाब से उस पिन को हम यहाँ पे सिंपली 4 डिजिट पिन यहाँ पे फिलअप कर लिए। उसके बाद नीचे की तरफ जो सबमिट वाले ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे जो मोबाइल नंबर शो हो रहा था, मतलब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें यहाँ पे 6 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट भी करना पड़ सकता है। तो सिंपली यहाँ पे OTP आने के बाद ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन जनरेशन सक्सेस, क्रेडिट कार्ड पिन जनरेट सक्सेसफुली। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली ओके कर देना। मेरा जो कार्ड का ट्रांजेक्शन लिमिट है वो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए है, और कार्ड का जो पिन है वो भी हम यहाँ पे बना लिए है, और यहाँ पे सेट पर ट्रांजेक्शन वो आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ATM विल्डो आप कितना करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं अपना हिसाब से, क्योंकि हम ATM विल्डो नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पे ऑन ऑफ कर देंगे। उसके बाद मर्चेंट लेआउट मुझे नहीं चाहिए, जो ऑनलाइन है यहाँ पे आप कितना करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मैक्सिमम अपना हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करके दिखा दिए। उसके बाद टैप टू पे तो अपना तो आप कितना रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे फुल रखेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे
सेट पर ट्रांजेक्शन वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलर्ट योर रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट कार्ड सेटिंग अपडेट सक्सेसफुली। इस वीडियो के अंदर हमने कार्ड को अनबॉक्सिंग करके दिखाया है और साथ ही साथ कार्ड का जो फास्ट लुक है वो भी आपको दिखाया है और कार्ड का जो पिन जनरेट कैसे करना है, ट्रांजेक्शन लिमिट कैसे सेट करना है और पार ट्रांजेक्शन लिमिट कैसे सेट करना है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो इस वीडियो का रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप ICICI बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इस कार्ड को मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है उसका ऊपर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।